अगर मैं बात कर तो देखो प्रीवियस मंथ में बहुत सारे ऐसे डेज थे जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी तो जल्दी से सेशन को को एक बार लाइक करिए 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 सब्सक्राइब शेयर चैनल को। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 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 आंसर देते रहिएगा आंसर देते रहोगे तो आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा और साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नोट करते रहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए ताकि आप सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नोट करते रहें रहे गुड इवनिंग मिस्टर सागा गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ टूडेज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टूडेज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है देखिए साथ साथ आंसर दे दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर तो यहां पर बात करते हैं ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर दैट इज सो 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 सिंपल क्वेश्चन चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा सिंपल क्वेश्चन है ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज आप लोग समझते ही हैं कि जो लोग देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते means persons, उनके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा से ज्यादा बताई जा सके इसके बारे में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज अब मैं बात करता हूं देखो जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना उसका थीम अगर उस डे का थीम है तो थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर मैं इसकी थीम की बात करता हूं तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज का थीम क्या था थीम क्या था साइन लैंग्वेज तो याद रखिएगा इसका थीम क्या था साइन लैंग्वेज थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा की चीजें कवर कर पाए साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरी वन साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरी वन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पता चल गया साइन लैंग्वेज डे तो साइन लैंग्वेज डे जो ऐसे इशारा कर, कर आप लोग किसी को समझाते हैं साइन लैंग्वेज बट यहां पर एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यह तो हो गया और जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए होता है ब्रेल डे ठीक है ब्रेल डे मतलब टच कर, कर जैसे मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया था हमारे जो न्यू नोट्स हैं नोट्स के साइड में ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं जो ब्रेल में होती हैं अपनी सरफेस से थोड़ी उठी हुई होती हैं वो भी आप लोगों को याद रखनी है अपनी सरफेस से थोड़ी उठी हुई होती हैं जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो 100 रुपीस का नोट 100 से ऊपर के नोट पर ही होती हैं ये सारी 100 रुपीस के नोट पर जो ब्रेल लाइंस होती हैं वो होती हैं फोर और अगर 200 की बात करें 200 पर फोर लाइंस होती हैं और फोर लाइंस के साथ टू डॉट्स होते हैं ताकि वो जो एक ब्लाइंड पर्सन है न, उसको ऐसे टच करके ऐसे पहचान सके रिकॉग्नाइज कर सके कि ये कौन सा नोट है 100 हो गया, 200 हो गया. 500, 500 के नोट पर होती है, है. है कर पहचाना जा सकता है और टू थाउजेंड के नोट को भी पहचाना जा सकता है सेवन लाइंस होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के, के नोट पर कितनी ब्लैक स्ट्रिप्स होती है ब्रेल लिपि में ब्रेल में तो ब्रेल में कितनी होती है फोर और टू हंड्रेड पर कितनी होती है फोर लाइन प्लस टू डॉट्स फाइव हंड्रेड पर कितनी होती है फाइव लाइन एंड टू थाउजेंड पर कितनी होती है सेवन क्लियर है चलिए वेरी गुड तो यहां पर आप लोगों को पता चल गया साइन लैंग्वेज डे अब मैं बात करता हूं ब्रेल डे की अगर मैं ब्रेल डे की बात करता हूं तो ब्रेल डे जो ऑब्जर्व किया जाता है देखो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि हाथ से ऐसे टच कर कर लैंग्वेज पहचाना जाता है वर्ड्स को ठीक है यहां पर मैंने पिक्चर डाला इसका ब्रेल डे का तो ब्रेल की बात करते हैं तो ब्रेल डे अभी सेलिब्रेट किया गया था फोर्थ ऑफ जनवरी को तो ब्रेल डे फोर्थ ऑफ जनवरी साइन लैंग्वेज डे ट्वेंटी ऑफ सेप्टेंबर क्लियर हो गई बात दोनों के दोनों याद रखने हैं लुइस ब्रेल के नाम से इस ब्रेल डे को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है कमेंट साथ साथ करते रहिए ताकि आप पता चलता रहे कि हां आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक रिपब्लिक डे स्पेशल सेल टेक्सट बुक पास ओनली एंड ओनली टू नाइन नाइन रुपीज में आप हंड्रेड प्लस कोर्सेज ट्वेल्व थाउजेंड प्लस मोक टेस्ट ओनली टू नाइन नाइन रुपीज में इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको विजिट करना होगा डब्ल्यू पर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं वेरी गुड बहुत अच्छे से समझ आता है सर आपका पढ़ाया हुआ थैंक यू वंदना आपकी क्लास का वेट रहता है चलिए थैंक यू चलो अब जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन इज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे फर्स्ट फर्स्ट एड एड तो पता पता ही है 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 ना सभी सभी को पता है कि कि देते है, देते हैं हैं प्राथमिक चिकित्सा हमारे जो बाइक्स होती है, गाड़ी होती गाड़ी की डिग्गी में पड़ी रहती है फर्स्ट एड किट्स तो फर्स्ट एड को प्रमोट करने के लिए क्योंकि फर्स्ट एड सबसे ज्यादा जरूरी है अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट एड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ ऑफ को तो इज एज अ वर्ल्ड फर्स्ट डे अब इसको सेलिब्रेट करता कौन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है मैंने बताया ना कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानना जरूरी है इसको सेलिब्रेट करता कौन है तो इसको सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल रेड क्रॉस देखो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और उसके साथ साथ रेड सोसाइटी इसको सेलिब्रेट करती है तो मेन आप लोगों को यहां पर याद रखना है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस अच्छा तो यहां पर एग्जाम में सर इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है ना कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर पर है? है? बिल्कुल कौन बताने वाला थैंक यू सो ओके सृष्टि, चलिए। तो इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस है उसका हेडक्वार्टर तो कौन बताने वाला है कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो सिंपल ही है, उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में कहां पर है पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर पड़ता है किसका हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रॉस का समझ में आ गया सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट एड के बारे में पता चल गया और उसका डे कब सेलिब्रेट किया जाता है कौन सेलिब्रेट करता है इसकी थीम की बात करता हूं तो इंटरनेशनल फेडरेशन ये जो इंटरनेशनल जो है आ, बात कर रहा हूं इस डे की अगर इस डे की थीम की बात करें तो इस डे की थीम आप लोगों को याद रखनी है फर्स्ट एड सेव लाइफ फर्स्ट एड सेव्स लाइफ तो याद रखना है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ फर्स्ट एड जो है वो जिंदगी को बचाता है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ ठीक है चलिए वेरी गुड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ तेलंगाना फॉर्मेशन डे तेलंगाना कब बना था सिंपल सी बात है तेलंगाना आप लोगों ने देखा ही है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था कब बनाया गया था ऑफ ऑफ जून जून अब ईयर की भी बात कर लेते हैं सेकेंड ऑफ जून 2014 में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया जिसके अंदर स्पेसिफिकली तेलंगाना एक अलग से राज्य बना तो तेलंगाना एक अलग से राज्य बना सेकेंड ऑफ जून इज ऑब्जर्व एज अ तेलंगाना फॉर्मेशन डे तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है आप कोई भी टेस्ट बुक से किसी भी टाइप से किसी कोर्स को परचेज करते हैं चाहे वो आईबी हो बैंक हो एसएससी हो किसी भी टाइप से किसी कोर्स को परचेज करते हैं तो अगर आप उसके ऊपर 20 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं उसके लिए आप इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं माई कूपन कोड इज दैट सी एच आई आर ए जी चिराग एम सी एच आई आर ए जी चिराग एम इस कूपन कोड को यूज करते हुए ट्वेंटी परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोग अवेल कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था देखना विच डे इज ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड फूड डे ठीक है, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है देखो इसके बारे में मैंने जब पढ़ाया था ना जब कौन सा पढ़ाया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ एओ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर 1945 और सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर 1945 को एफ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर का है रोम इटली में कहां पर है रोम इटली में दैट्स वाई 16 अक्टूबर सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे कौन सा डे वर्ल्ड फूड डे क्योंकि ये बना था एफ का हेडक्वार्टर भी आपको पता है एफएओ का हेडक्वार्टर है रोम इटली में ठीक है कहां पर है रोम इटली में और याद रखने का तरीका बताया था यहां पर तीन इकट्ठे ही मैंने डेज बता दिए थे सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर फूड डे ठीक होगी बात फूड डे हो गया ठीक है अब फूड खाने से पहले आप हाथ तो धोते हैं ना तो ऑफ अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और उसका जो थीम था वो क्या था ठीक है हैंड हाइजीन फॉर ऑल याद होगा ना हैंड हाइजीन फॉर ऑल उसका थीम था ना हैंड हाइजीन फॉर ऑल वो था हैंड वॉशिंग डे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर और उससे एक दिन पहले स्टैंडर्ड चेक करते हैं है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे स्टैंडर्ड डे फोर्टीन ऑफ अक्टूबर फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और सिक्सटींथ ऑफ अक्टूबर कौन सा डे होता है वर्ल्ड फूड डे पहले स्टैंडर्ड चेक करो फिर हाथ धो लो फिर खाना खा लो सिंपल सी बात है ऐसे याद रखने का तरीका बनाओ फोर्टीन फिफ्टींथ सिक्सटींथ

वेरी गुड क्लास तो टेन टेन फिफ्टीन तक होने वाली है ओके okay? चलो याद रहा सभी को वेरी गुड तो ऐसे ऐसे याद रखने के ट्रिक बनाओ कई बोलते हैं ना कि याद कैसे रहते हैं हैं बस यही तरीके होते हैं याद रखने के ठीक है पता चल गया और याद अगर किसी को यह भी हो जो रोम इटली के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको इस बार का नोबल प्राइज मिला था नोबेल का पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है रोम इटली में चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्वड ऑन एट ऑफ जून आठ जून को कौन सा डे मनाया जाता आठ जून को एट्थ ऑफ जून इज ऑब्जर्व एज अ दो डे मनाए जाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियन डे तो याद रखना है ब्रेन ट्यूमर और दूसरा कौन सा है ओशियन डे क्लियर है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और दूसरा है वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है एट ऑफ जून को एट ऑफ जून को देखो एट ऑफ जून को ठीक है एट ऑफ जून देखो यहां पर जैसे जीरो 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 है ना कुछ ऐसा दिख रहा है ना एट ऑफ जून को एट ऑफ जून को तो ओशियन ओशियन और ये जो ना ब्रेन ट्यूमर होता है आप सभी को पता है कि मतलब जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो जो है ना उनकी काउंटिंग धड़ाधड़ से बढ़ जाती है और वो आप सभी को पता है कि वो हमारे माइंड के लिए सही नहीं है ठीक है मेमोरी लॉस बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तो वो जो है ना वो ब्रेन ट्यूमर होता है तो देखो इतने सेल्स जो है ये देखो ये देखो सेल्स तो अपने माइंड में बिठा लो ये सेल्स है ठीक है एट्थ ऑफ जून अरे आठ छे होता, तो होता है ना होता है जून ठीक है एटथ ऑफ जून को मनाया जाता है कौन सा डे ब्रेन ट्यूमर डे और उसके साथ कौन सा डे होता है वर्ल्ड ऑशियन डे तो ब्रेन ट्यूमर डे पता चल गया और वर्ल्ड ऑशियन डे पता चल गया मतलब उसकी ग्रो जो होती है ब्रेन सेल्स की बहुत ही तेजी से हो जाती है और इसकी थीम भी मैं बता दूं ब्रेन ट्यूमर डे की रिकवरी आफ्टर ब्रेन रिकवरी आफ्टर ब्रेन सर्जरी रिकवरी आफ्टर ब्रेन सर्जरी तो यहां से इसका थीम अगर वर्ल्ड ऑशियन डे की बात करते हैं तो वर्ल्ड ऑशियन डे का थीम जो था वो मैं यहां पर लिख देता हूं इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन जो है वो थीम है किसका वर्ल्ड ओशियन डे का तो ओशियन डे पता चल गया एट्थ ऑफ जून को ब्रेन ट्यूमर डे पता चल गया एटथ ऑफ जून को याद करने का ट्रिक बता दिया ओशियन भी गोल 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 से याद रख लो एट ऑफ जून आठ छर है चलो वेरी गुड उसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सिंपल था ये क्वेश्चन ये आप लोगों को पता चल गया वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर एंड ऑशियन डे अगला देखो अभी अब यहां पर चलता है वेन इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड एक ही बात है ठीक है गर्ल चाइल्ड डे या इंटरनेशनल डे ऑफ हमारा गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है तो गर्ल चाइल्ड के बारे में मतलब हमारे देश में जो है ना ठीक है सेक्स रेशो इंप्रूव हो पाए सेक्स रेशो इंप्रूव हो पाए मतलब मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके ठीक है मेल और फीमेल के डिफरेंस को इंप्रूव करने के लिए ये गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर को याद रखना है इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर कौन सा डे होता है गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ठीक है सभी ने सही बताया साथ साथ चलो ये भी बता दो तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है अब ये मत कहना सर कल ही था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ठीक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनल तो पता चल गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर जो वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है बट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आप लोगों को बताना है तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो वो कल ही था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्लियर हो गई बात ठीक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे चौबीस जनवरी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर ठीक है ग्यारह दस और चौबीस जनवरी को होता है ठीक है इंटरनेशनल वाला तो याद रखना है ग्यारह है ना अक्टूबर का कौन सा मंथ होता है दसवां टेंथ मंथ और हमारे देश में जो सेक्स रेशो है मेल और फीमेल का जो रेशो है वो क्या रहता है मेल और फीमेल का ठीक है ये मेल है ये फीमेल है ऐसा याद रखो दस ग्यारह दस ग्यारह ये रेशो रहता है ठीक होगी बात दस ग्यारह तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो याद रखने का तरीका पता चल गया दस ग्यारह ठीक है ग्यारह दस ग्यारह दस क्लियर होगी बात ग्यारह मेल पे दस फीमेल ऐसा याद रख लो ठीक है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑफ अक्टूबर इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है चलो बिल्कुल ही था ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल 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 प्रियंका वेरी गुड ठीक है आगे बात कर लेते हैं यहां पर इस डे का थीम क्या है अगर मैं थीम की बात करता हूं तो इस डे का थीम है माई वॉयस आवर इक्वल फ्यूचर माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर किसका थीम है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोइंग डे इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये बात तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है इलेवेंथ ऑफ जुलाई इलेवेंथ ऑफ जुलाई ग्यारह जुलाई कौन सा डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन तो हमारे देश में अगर क्वेश्चन आ जाए अकॉर्डिंग टू द सेंसेस ऑफ 2011 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वो है सत्रह पॉइंट सात परसेंट इतनी तेजी से भारत बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं कि हम चाइना को भी ओवरकम कर लेंगे चाइना को भी पछाड़ देंगे कितनी खुशी की बात है ना है ना वो तो आप सोच ही सकते हो चलो वो छोड़ो तो बात यहां पर चलती है कि हमारा इंडिया की जनसंख्या की वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है 17.7 परसेंट क्लियर होगी बात और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मिशन मोड में स्टार्ट किया था ना किसने कली पढ़ाया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मिशन मोड में स्टार्ट किया था वो किया था कौन सी गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट ने ठीक है चलो सर याद हो गया उसके बाद आगे बात करते हैं पता चल गया इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दो हजार ग्यारह में लास्ट सेंसेस हुआ था अब जो सेंसेस होना है 2021 पता ही आप लोगों को 2021 में सेंसेस अब 2021 का जो सेंसेस होगा उससे बारे में कुछ बातें बता देता हूं इस बार का जो सेंसस होगा वो इंडिया का सिक्सटीन सेंस होगा कौन सा सेंसेस होगा सिक्सटीन सेंसेस होगा इस बार के सेंसस की दूसरी विशेषता क्या है पहली बार इंडिया में डिजिटल सेंसस होगा कौन सा सेंसस होगा डिजिटल सेंसेस होगा हो तीसरी विशेषता क्या है तीसरा फीचर क्या है इस बार के सेंसेस का, तीसरा ये है, इस बार बार के का तीसरा है कैटेगरी को अलग से गिना जाएगा कौन सी कैटेगरी को ओबीसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है सर इसमें क्वेश्चन हो सकता है कौन सी कैटेगरी को इस बार अलग से गिना जाएगा ओबीसी कैटेगरी को इस बार सोलवी जनगणना होगी इस बार डिजिटल होने वाला है क्लियर है चलो हा पॉपुलेशन हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड ठीक है उतना ज्यादा हाँ बिल्कुल सही बात है ठीक है चलो जितनी पॉपुलेशन वेरी गुड ठीक है चलो हां उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी है सही कह रही है प्रियंका चलो तो ये आप लोगों को पता चल गया सेंसेस के फीचर आप लोगों को पता चल गया ठीक है और ये भी बता दूं और सेंसेस को करवाता कौन है वो करवाते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है सेंसेस कमिश्नर क्या बोला जाता है सेंसेस कमिश्नर और अभी कौन है ये भी आप लोगों को याद रखना है उनका नाम है विवेक जोशी ठीक है नाम क्या है विवेक जोशी कौन है हमारे सेंसेस कमिश्नर मींस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इतना फैक्ट आपको याद रखने का इसमें से आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन आता है व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर और ओजोन डे वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है यह पूछा गया है वर्ल्ड ओजोन डे वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है या ओजोन लेयर इन प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर डे ठीक है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर ठीक है अब यह डे कब मनाया जाता है यह डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को सिक्सटीन ऑफ सेप्टेंबर ठीक है वेरी गुड हम सही बात है हाँ लोगों को कौन समझाए कि पॉपुलेशन के बारे में और समझा देंगे लोगों को सम हम लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे करके कर जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगा ठीक है तो चलो अब बात यहाँ पर चलती है 16 सितंबर वेरी गुड ये विक्टोरिया जी ने बहुत अच्छा लिखा है 16 16 16 तीन बार लिख दिया बिल्कुल 16 सितंबर को कौन सा डे होता है ओजोन लेयर ठीक है कौन सा है ओजोन डे आप सभी को पता है ओजोन लेयर होती जा रही है उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है पॉल्यूशन कम से कम करें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर के बारे में अवेयर करने के लिए कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन डे क्लियर होगी बात आप थीम की बात कर लेते अगर मैं इसकी थीम की बात करता हूं तो थीम क्या लिख लीजिएगा ओजोन फॉर ओजोन फॉर लाइफ थर्टी फाइव ईयरस थर्टी फाइव ईयरस ऑफ ओजोन लेअर प्रोटेक्शन ठीक है ओजोन फॉर लाइफ थर्टी फाइव ईयर ऑफ ओजोन लेअर प्रोटेक्शन क्लियर होगी बात यह इसका थीम है ओजोन फॉर लाइफ थर्टी फाइव ईयर ऑफ ओजोन लेअर प्रोटेक्शन थीम है किसका ओजोन डे का वर्ल्ड ओजोन डे का थीम आप लोगों को पता चल गया कब होता है सिक्सटीन ऑफ सेप्टेंबर सोलह नो को होता है सिक्सटीन ऑफ सेप्टेंबर को कौन सा डे होता है हमारा ओजोन डे ठीक है चलो बिल्कुल हाँ चलो पता चल गया आप लोगों को और यहां पर बता दू ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो पता है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस बार इसका भी सेवेंटी फिफ्थ मीटिंग थी और सेवनटी फिफ्थ को एड्रेस किसने किया था अरे मोदी जी ने एड्रेस किया था सभी को पता ही है है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेवनटी फिफ्थ इस बार जनरल असेंबली थी मोदी जी ने इसको एड्रेस किया था ठीक है चलो तो इसको ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये डिक्लेयर किया गया था एट्टी में

चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल प्रेस डे नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है प्रेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है अब कौन बताने वाला है नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है सिंपल क्वेश्चन है ये मनाया जाता है सिक्सटींथ ऑफ नवंबर सोलह नवंबर सिक्सटीन ऑफ नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल प्रेस डे नेशनल प्रेस डे अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं देखिएगा यहां पर प्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है इन नेशनल लेवल पर प्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है देखो द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ना इस दिन इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में में जिस कारण से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को प्रेस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए उसके बाद बात करते हैं अभी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है पीसीआई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है चेयरमैन कौन है यह भी याद रखने का है आप लोगों को कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है जस्ट चंद्रमोली कुमार प्रसाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है यह भी आप लोगों को पता चल गया इतने से क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है ठीक है चलो आगे बात करते हैं आगे अगर बात करते हैं, दो हजार हाँ बिल्कुल हाँ, दो हजार बीस वाले ठीक है दो हजार बीस वाले ही चलेंगे ठीक है विक्टोरिया चलो हाँ, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी यहां पर आपने बता दिया कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का प्लेस वेरी गुड राहुल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखो यहां पर आप भी देख लो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का प्लेस क्या है इंडिया का प्लेस है एक और फर्स्ट प्लेस पर भी आपको याद रखना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस पर कौन सा देश आता है उस देश का नाम है नॉर्वे कौन सा है नॉर्वे वही नॉर्वे है जिसकी कैपिटल होसलो हो है नॉर्वे है जो नोबल का शांति पुरस्कार देता है नोबल पीस प्राइज जो अभी किसको मिला था वो भी आप लोगों को पता है 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 ना ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को को जिसका रोम इटली में है। याद हो गया गया होगा ठीक ये आप लोगों को पता चल वेरी गुड बहुत अच्छे यहां पर राहुल जी ने आंसर दिया था और यहां पर मैं ये भी बता दू इसको रिलीज कौन करता है ठीक है ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको रिलीज करता है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन पेरिस बेस्ड है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इस नाम का ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत का स्थान एक पहले नंबर पर नॉर्वे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो ठीक है और बाकी सारे नोबल कौन देता है वो देता है स्वीडन स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम टोटल छह फील्ड में मिलते हैं कल ही बताया था चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आता है टेलीविजन डे टेलीविजन डे अरे वो आप लोगों ने सुना होगा जी जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था ठीक है टेलीविजन डे वर्ल्ड टेलीविजन डे की बात करते हैं तो वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है 21 नवंबर को 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे कौन सा डे है वर्ल्ड टेलीविजन डे अब टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था जे एल बियर्ड ने, ने टेलीविजन का आविष्कार किया था अब इसको मनाया क्यों जाता है देखो फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर नवंबर जो वर्ल्ड टेलीविजन फोरम है उन्होंने इक्कीस नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया टेलीविजन के प्रति विजुअल मीडिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए विजुअल मीडिया कितना ज्यादा जरूरी है आज तो सभी जरूरी जरूरी हो गया है ठीक है विजुअल मीडिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लॉगे बेर्ड वो भी नाम याद रखना आप लोगों को ठीक है चलो चिरा <coughs> कुणाल सिंह चिराग सर गुड वर्किंग वीडियो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस 50000 लाइक 50 लाख लाइक थैंक यू थैंक यू, यू मिस्टर कुणाल सिंह थैंक यू ठीक है फिफ्टी लैख लाइक बनते हैं चलो थैंक यू सो मच चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अगला देखो विंड एनर्जी की बात चली गई यहां पर वर्ल्ड विंड डे की बात चल रही है वर्ल्ड विंड डे वर्ल्ड विंड डे इज अवर्ल्ड विंड डे ऑल्सो नोन एज ग्लोबल विंड डे वर्ल्ड विंड डे जिसको साथ साथ किसने किस नाम से जाना जाता है ग्लोबल विंड डे ये कब मनाया जाता है और ये सभी को पता होगा जो विंड एनर्जी है ना आप सभी को पता है अरे सर ये आपने बताया था इंडिया का 2022 का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है री एनर्जी का टारगेट ठीक है याद है ना किसी को रीन्यूबल एनर्जी का टारगेट क्या है वन सेवेंटी जिसमें से जिसमें से हंड्रेड गीगावाट सोलर एनर्जी 60 गीगावाट विंड एनर्जी कुछ याद है 100 गीगावाट सोलर एनर्जी 60 गीगावाट विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करना है 10 गीगावाट और 5 गीगावाट भी मैंने डिवाइड किया था तो जल्दी से मुझे वेरी गुड सर कितने मंथ का करंट है मिनिमम सिक्स मंथ का ठीक है और अगर हाँ टेन गीगावाट की बात करें तो हाइड्रो पावर ठीक है और अगर बात करें तो फाइव गीगावाट बायोमास से प्रोड्यूस करना है किससे बायोमास से तो यहां पर आप लोगों को पता चल गया रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है इंडिया का एक सौ पचहत्तर गीगावाट दो हजार बाईस तक और दो हजार तीस तक कितना है साढ़े चार सौ टू थाउजेंड थर्टी आ जाए ना टू थाउजेंड थर्टी तक का कितना है फोर फिफ्टी गीगावाट ठीक है वो भी याद रखना तो यहां पर विंड एनर्जी के बारे में विंड एनर्जी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है समझ में आ गया ग्लोबल विंड डे अब सेलिब्रेट कब किया जाता है हवा कब चलती है जून में और कौन से जून में बिल्कुल जून के बीचों बीच ठीक है हवा वो जो आती है ना लू वाली हवा तो वो चपवन चक्की चलेगी समझ में आ गया होगा तो हवा कब चलती है जून के बिल्कुल बीच वाले दिन बस इतना सा याद रखो जून के बीच में सबसे गर्म हवा चलती है तो हवा चलती है जून के बीच में पंद्रह 15 जून फिफ्टींथ ऑफ जून इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड विंड डे कौन सा डे है वर्ल्ड विंड डे ताकि विंड एनर्जी की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा सके ठीक है

एनर्जी एसोसिएशन का अच्छा यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन उसके साथ अरे बेल्जियम ब्रुसेल्स में तो सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है साथ साथ बता ही दो अरे साथ साथ बताया था इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ब्रुसेल्स बेल्जियम स्विफ्ट का हेडक्वार्टर वही है ना सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजने के लिए ये स्विफ्ट का यूज होता है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जिसके चेयरमैन जो बने थे आप लोगों जिसके मेंबर मेंबर में चुने गए थे, परत, मेंबर चुने गए गए थे थे दिलीप रथ ना इसके उसके बाद बात करते हैं और कौन सा है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर उसके साथ कौन सा है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर उसके साथ कौन सा है सर नाटो का हेडक्वाटर नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्विफ्ट हो गया और इंटरनेशनल डेयरी Federation और अब तो एनर्जी यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन भी कहां पर हो गया हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में अरे याद हो ना ऐसे ही हेडक्वार्टर याद होते हैं अब इतने सारे याद कैसे करोगे लेकिन ब्रुसेल्स बेल्जियम वाले याद हो गए अब बाकी कर लेंगे चलो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आता है द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर टू ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशन डिसाइडेड सॉरी डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डे ऑफ अक्टूबर एज वर्ल्ड हैबिटेट डे लोगों को सारों को छत मिले खाने के लिए मिले ठीक है तो वर्ल्ड हैबिटेट डे वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है फर्स्ट मंडे फर्स्ट मंडे कौन सा फर्स्ट मंडे अक्टूबर का ऑक्टूबर का फर्स्ट मंडे एग्जाम 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 वेरी गुड एग्जाम कब होगा एग्जाम एग्जाम फेबर के स्टार्टिंग में फर्स्ट टेन डेज में पॉसिबिलिटीज हैं आप लोगों के कॉलर आ जाएंगे पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है देखते हैं बाकी ठीक है बट अपनी तैयारी राहुल और धीरू बहुत ही अच्छे तरीके से रखी है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम को अटेम्प कर पाए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है यही आप लोगों को सबसे ओवरऑल कट ऑफ में क्लियर करवा सकता है इतनी हो कि सब कुछ आ जाए ठीक है चलो आगे बात करते हैं, पता चल गया कि यूनाइटेड नेशन डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डे विच डे ऑफ अक्टूबर अक्टूबर का कौन सा डे वर्ल्ड हैबिटेड डे के नाम से मनाया जाता है फर्स्ट मंडे फर्स्ट मंडे वर्ल्ड हैबिटेट डे कौन सा डे फर्स्ट मंडे अक्टूबर का फर्स्ट मंडे पता चल गया कौन सा होता है ये वर्ल्ड हैबिटेट डे क्लियर हो गई बात और बात करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम क्या है थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर इज द थीम ऑफ World Habitat day. भाई सभी मिले मिले, मिले, रहने के लिए, लिए छत बेसिक फैसिलिटी मिले, तो उसके मनाता मनाता है मनाता है? United बनाता है। Working day. ठीक है, कौन बनाता ठीक फर्स्ट मंडे अक्टूबर का फर्स्ट मंडे जो भी होगा उसको वर्ल्ड जाएगा, ठीक है वेरी गुड प्रियंका आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं नेशनल एजुकेशन डे नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है अब अगर नेशनल एजुकेशन डे की बात करें तो जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ना उनकी याद में मनाया जाता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है तो जल्दी जल्दी से लिख दो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे इतने में मैं बताता हूं कि कब मनाया जाता है इलेवेंथ ऑफ जनवरी इलेवेंथ ऑफ नवंबर सॉरी इलेवेंथ ऑफ नवंबर देखो ग्यारह 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 है ना एक और एक एक और एक ग्यारह ग्यारह को बनाया जाता है तो एजुकेशन लोगे तो एक और एक दो नहीं होते एक और एक क्या होते हैं ग्यारह जिनके पास एजुकेशन नहीं ना उनके लिए एक और एक दो होते हैं हमारे लिए तो एक और एक ग्यारह होते हैं एक और एक ग्यारह एक और एक ग्यारह तो याद रखने का तरीका एक और एक क्या होते होते हैं दो नहीं होते, एजुकेशन है ना हमारे पास क्योंकि तब तो हम तो हम से दूसरे को मिलाकर ग्यारह बना देते हैं दो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है एक और एक नेशनल एजुकेशन डे वेरी गुड यहां पर किसकी याद में मनाया जाता है बहुत अच्छे ये मनाया जाता है हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे ठीक हो गई बात भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनकी याद में इस डे को मनाया जाता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कौन सा डे नेशनल एजुकेशन डे क्लियर हो गया अब यहां पर एक छोटा सा और फैक्ट याद रख लो है ना इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा नेशनल तो पता चल गया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये भी कल ही था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी अब कहोगे सर ऑफ जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी था जो किसी को नहीं पता था ठीक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बिल्कुल था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी था यह भी कल था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी को और कौन सा डे मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे याद रखना है हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री पता है आप लोगों को कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और कल सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आर के शनमुखम शेट्टी आर के शनमुखम शेट्टी जिन्होंने भारत का पहला बजट 26 नवंबर उन्नीस को प्रेजेंट किया था क्लियर है चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आता है हमारा वर्ल्ड राइनो डे ठीक है वर्ल्ड राइनो डे की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड राइनो राइनो आप सभी को पता है उनकी प्रजाति खत्म हो जा रही होती जा रही है तो वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 सितंबर को कब मनाया जाता है 22 सितंबर को कॉल लेटर <laughs> चलो कोई बात नहीं बिल्कुल अच्छा चलो 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 पढ़ो 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 ठीक है पढ़ने पर थोड़ा सा फोकस कर लो चलो आप बात करते हैं यहां पर आपको पता चल गया वर्ल्ड राइनो डे के बारे में हां डिस्कस करते हैं अविनाश ठीक है एक बार पढ़ लीजिए वर्ल्ड राइनो डे वर्ल्ड राइनो डे की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है 22 सितंबर को यहां पर आप लोग मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जो अभी अविनाश ने पूछा है सर आज कौन सा डे है जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आज कौन सा डे है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है सिंपल ही है वो भी बहुत सिंपल है ठीक है चलो इतने में हम इतने क्वेश्चन की बात करते हैं वर्ल्ड राइनो डे की बात करें तो वर्ल्ड राइनो डे कब होता है बाईस सितंबर को बाईस सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे राइनो की प्रजाति जो खत्म होती जा रही है उसको रोकने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मनाता कौन है आई IUCN की बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो होता है ना कि जो आप लोगों ने सुना होगा रेड लिस्ट जारी करता है ठीक है रेड लिस्ट रेड लिस्ट जारी करता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां ये बात ना थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे तरीके से कि कितनी प्रजातियां हैं जो रेड लिस्ट में आ रही हैं तो रेड लिस्ट जारी करता है आई IUCN की बात करें IUCN इंटरनेशनल पता चल गया ना आई का का फॉर्म आपको पता चल गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे सभी ने लिख दिया नेशनल वोटर्स डे नेशनल वोटर्स डे वोटर्स डे वोटर्स डे ठीक है बहुत अच्छे अरे टूरिज्म डे नहीं होता है शुभ श्रीवास्तवा टूरिज्म डे कब होता है है ना टूरिज्म डे की बात करें तो इंटरनेशनल टूरिज्म डे की अगर मैं बात करता हूं तो ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ सेप्टेंबर ठीक ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ सेप्टेंबर चलो IUCN के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में कहां पर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होता है किसका हेडक्वार्टर आई का IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है ठीक है चलो पता चल गया आप लोगों को IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है पता ही, उसी के अंदर ही है तो यहां पर आपको पता चल गया क्यों मनाया जाता है आगे बात करते हैं पब्लिक सर्विस ब्रोडकास्टिंग डे पब्लिक सर्विस ब्रोडकास्टिंग डे वॉज ऑब्जर्वड ऑन ट्वेल्थ ऑफ नवंबर वाई इट्स सेलिब्रेटेड ऑन दिस दैट डे ये डे क्यों मनाया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे चलो बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1942 ठीक है महात्मा गांधी जी की बात करते सॉरी 1947 है 44 42 नहीं सॉरी 1947 महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था 1947 1947 में ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो को जो महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था 1947 में 1947 में जिस कारण से इस डे को मनाया जाता है पहली और आखिरी बारी किया था इन्होंने ठीक है पहली और आखिरी बार किया था महात्मा गांधी जी ने ये आप लोगों को पता चल गया और इन्होंने मेन पर्सन जिनको एड्रेस किया था किसको संबोधित किया था ऐसे लोग ऐसे लोग देखो जो डिस्प्लेस हुए थे कहां से टंपरेरी सेटल हुए थे कुरुक्षेत्र और हरियाणा में पार्टीशन के बाद पार्टीशन के बाद ना जो लोग कुरुक्षेत्र और हरियाणा में आकर बसे थे उनको एड्रेस करने के लिए इसको आ, एड्रेस करने के लिए इसमें ऑल इंडिया रेडियो में गए थे ये क्लियर हो गई बात उसके स्टूडियो में गए थे महात्मा गांधी जी जिस कारण से इसको मनाया जाता है मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है सर प्लीज बता दीजिए मिस्टर अंसारी जी टेन यहां पर जो क्लास होती है नाइन थर्टी पर क्लास होती है और नाइन थर्टी पर रहती है ये मंडे वेडनसडे एंड फ्राइडे मंडे वेडनसडे और फ्राइडे ठीक एमडब्ल्यू एफ ओके ठीक okay. है अंसारी जी चलो अब यहां पर बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारा ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जून को कौन सा डे मनाते हैं ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जून ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जून इज ऑब्जर्व एज एम एस एम ई डे ठीक है एमएसएमई तो पता है ना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सर इसके मंत्री कौन है नितिन गडकरी कौन से मंत्री है नितिन गडकरी एम एस एम ई एम एस एम ई मंत्री है नितिन गडकरी और एमएसएमई के लिए मैंने आपको योजना पढ़ाई थी प्रधानमंत्री <coughs> <coughs> मुद्रा योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा की बात कर लेते हैं तो मुद्रा की फुल फॉर्म बताई थी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जिसमें तीन लेवल पर लोन मिलता है पहला पढ़ाया था शिशु किशोर तरुण शिशु में कितना मिलता है सर फिफ्टी थाउजेंड का किशोर में कितना मिलता है फिफ्टी थाउजेंड से लेकर पचास हजार से लेकर पांच लाख तक का और पांच से लेकर दस लाख का मिलता है किसमें तरुण में तो मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी एमएसएमई डे कब मनाया जाता है पता चल गया आप लोगों को एमएसएमई डे होता है सत्ताईस जून को कब होता है सत्ताईस जून को एमएसएमई डे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है चलो वेरी गुड सत्ताईस जून नितिन गडकरी बहुत अच्छे सभी ने आंसर भी लिख दिया देखो ऐसे बताते रहा करो अब मैं क्वेश्चन भी देकर जाऊंगा चलो मैं यहां पर आपको एक होमवर्क भी देकर जाता हूं आयुष के बारे में ए वाई यू एस एच ठीक है ये सारे डे बताने हैं आप लोगों को ठीक है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए लेकिन मैं यहां पर अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूं ठीक है अभी और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आयुष डे आयुष में सबसे पहले बता दूं ये सारे डेज हैं आयुर्वेदा डे योगा डे यूनानी डे सिद्धा डे होम्योपैथी डे ठीक है आयुर्वेदा डे योगा डे यूनानी डे सिद्धा डे होम्योपैथी डे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये डेज सारे के सारे आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आयुष आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी ये पांच के पांच डेज आपको याद होने चाहिए चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा आता है ये अगला क्वेश्चन है कि 19 अगस्त को 19 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी ऑफ अगस्त ट्वेंटी ऑफ अगस्त को होता है वर्ल्ड व्यूमेंटेरियन डे कौन सा डे है वर्ल्ड व्युमेंटेरियन डे विश्व मानवतावादी दिवस विश्व मानवतावादी दिवस की अगर मैं बात करता हूं तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मनाती है किसकी डेथ एनिवर्सरी पर ये किसकी डेथ एनिवर्सरी पर बनाती है जिनका नाम आप लोगों को याद रहे तो याद रख लीजिएगा डेथ एनिवर्सरी रहती है सर्गियो वीरेरा सर्गियो वायरा डी मेलो इनकी डेथ एनिवर्सरी पर एंड ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ हिज फेलो ह्यूमेटेरियन और ये और उनके साथ इनके 21 फेलोज जो थे उनकी डेथ हुई थी इन द बॉम्बिंग ऑफ बगदाद हेडक्वार्टर ऑफ यू एन क्लियर होगी बात उनकी डेथ हुई थी उनकी याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस डे को सेलिब्रेट करती है क्लियर है सर्गियो कौन थे ये जो सर्गियो थे सर्गियो सर्गीय ब्राजीलियन यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेट ठीक है यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेट हुआ करते थे जिनका नाम था सर्गियो उनकी याद में यूनाइटेड जो यूनाइटेड नेशन जो है इस डे को सेलिब्रेट करता है ठीक है चलो उसके बाद हाँ बिल्कुल हाँ 21 जून अविनाश ये तो सभी को पता था इसके अलावा भी तो बताओ है ना आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी है ना वो भी तो बताने हैं साथ साथ आगे बात करते हैं वर्ल्ड किडनेस डे अपनी जैसे होती है ना बच्चों वाली किडनेस सॉरी काइंडनेस काइंडनेस जो है वो बनी रहनी चाहिए काइंडनेस मतलब दयालुता ठीक है काइंडनेस क्या है दयालुता मतलब जो दयालु है दयालु समझते हैं ना आप लोग ठीक है मतलब किसी के प्रति एक अच्छा करने वाला मतलब दान देने वाला दयालु पर्सन ठीक है दयालु वर्ल्ड इंडनेस डे वर्ल्ड काइंडनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो वर्ल्ड काइंडनेस डे के पास तेरह है तो उसको दो रुपए दान दे देने चाहिए ताकि उसके पास ग्यारह रुपए रहे तो यह सिंपल सी बात है तेरह ग्यारह को मनाया जाता है तेरह है तेरह रुपए है तो उसको दो रुपए क्या करने चाहिए दान देने चाहिए ताकि उसके पास कितना रहे ग्यारह तो तेरह ग्यारह थर्टींथ ऑफ नवंबर थर्टींथ ऑफ नवंबर इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड काइंडनेस डे कौन सा डे है काइंडनेस डे पता चल गया आप लोगों को वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है 13th ऑफ नवंबर ठीक है चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं उसके बाद इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मत जानी है लेकिन इसका थीम की बात कर लेते हैं तो थीम क्या है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर गुड गवर्नेंस डे अरे सर ये तो हमें पता है ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को होता है कब होता है 25 दिसंबर ठीक है वेरी गुड आयुर्वेदा डे चलो वेरी गुड सारे सारे लिखते रहो साथ साथ तो ये पता चल गया आपको 25 दिसंबर को ट्वेंटी ऑफ दिसंबर को और ये आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ किसकी जयंती होती है सिंपल है सर ये हमने पढ़ा भी था मदन मोहन मालवीय जी की मदन मोहन मालवीय जी भी 25 दिसंबर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी कब होती है पच्चीस दिसंबर जिस दिन भारत में सुशासन दिवस को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आता है वर्ल्ड एलिफेंट डे वर्ल्ड एलिफेंट डे अभी पता है ना एलिफेंट जो है एलिफेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेटरी बनाई गई केरला में और एलिफेंट का पहला हॉस्पिटल मथुरा में बनाया गया था है ना एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर था सॉरी एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर का बना था इंडिया का पहला वो बना था केरला में और एलिफेंट एलिफेंट हॉस्पिटल एलिफेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वो बना था मथुरा यूपी में अब बात चल रही है एलिफेंट डे की एलिफेंट डे कब मनाया जाता है बारह अगस्त को बारह अगस्त ठीक है बारह अगस्त मनाया जाता है एलिफेंट डे कौन सा डे है बारह अगस्त एलिफेंट डे चलो वेरी गुड आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर ये आप लोग इतना याद रखिए एलिफेंट की, की प्रजाति जो खत्म होती जा रही है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब जल्दी से मुझे ये कौन बताने वाला है ये आखिरी क्वेश्चन है ठीक है आखिरी क्वेश्चन ही है और जल्दी से मुझे ये कौन बताएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और इंडिया में कितने वेटलैंड साइट है और वेटलैंड वालों को क्या बोला जाता है सर रामसर रामसर क्या बोला जाता है रामसर है ना रामसर साइट तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए इंडिया में कितनी रामसर साइट है और अभी दो लेटेस्ट में कौन सी बनी थी रामसर साइट अच्छा सर रामसर साइट होती क्या रामसर एक ना शहर है ईरान में जिसका नाम था रामसर रामसर में एक समिट हुआ था रामसर एक में एक समिट हुआ था उस समिट में यह डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड में जो भी ऐसे एरिया है जो वेटलैंड एरिया है वेटलैंड समझ गए ना आद्र भूमि है क्योंकि ये जो भूमि है ना वेटलैंड एरिया है वो हमारे देश का नेचुरल नेचुरल इंपॉर्टेंस के लिए पानी सोखती रहती है, का, का है। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं है, तो वो ऐसे प्लेसेस को ज्यादा पसंद करते हैं तो यहां पर जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या है वेटलैंड साइट तो वेटलैंड साइट को प्रोटेक्ट करना है वेटलैंड साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर में एक समिट हुआ था और उसी समिट वाले दिन से ही इस डे को मनाना शुरू कर गए और अभी भी थोड़े समय पहले ही भारत के अंदर दो ऐसी वाला वेरी गुड बहुत अच्छे विक्टोरिया जी ठीक है चलो गुड नाइट जी गुड नाइट चलो वेरी गुड ठीक है वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे सभी बता रहे हैं वेरी गुड ठीक है चलो तो यहां पर अगर रामसर साइट्स की मैं बात करता हूं तो यहां पर चौतीस तो नहीं है ठीक है चलो पहली बात तो रामसर साइट्स वाला वर्ल्ड वेटलैंड 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 डे डे का क्वेश्चन देख लो वर्ल्ड दे मनाया जाता है दो फरवरी को सेकेंड ऑफ फेबर को मनाया जाता है सेकेंड ऑफ फेबर मतलब दो दो है ना फरवरी दो दो हो गया ना दो दो दो, 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 दो को मनाया जाता है कौन सा वेटलैंड वेटलैंड वेट डे वेटलैंड डे दो दो को मनाया जाता है और बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे की तो वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन 1971 में रामसर अभी बताया ना रामसर में सबमिट हुआ था ईरान का शहर है ईरान का शहर है कौन सा रामसर रामसर में समिट हुआ था तो उस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया जाता है क्लियर होगी बात चलो अब बात चलती है कि इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं है तो इंडिया में बयालीस अभी अभी मिलाकर टोटल हो चुकी है इंडिया में बयालीस रामसर साइट्स ठीक है बयालीस रामसर साइट हो चुकी है पहली कौन सी थी सबसे बड़ी कौन सी है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे चलो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है चलो वेरी गुड ठीक है बिल्कुल थोड़े मेरे शेयरों थोड़ा सा अच्छा सा अच्छे तरीके से पढ़ा करो जो इतने जितनी चीजें बताता हूं उसको नोट किया करो और उसके बारे में सर्च भी किया करो जो जो काम भी देते हो ना उसके बारे में सर्च भी किया करो ताकि आप लोगों को सारे इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते चले जाए और आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए ठीक है चलो आज के लिए इतना ही सर टुक प्लेस इन लद्दाख ठीक है दिस ईयर टुक प्लेस ओके 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 आखि chalo good night chalo how are very good very good ओके थैंक यू ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो सभी आंसर अच्छे देते हैं क्लास को अटेंड करते रहिए आते रहिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर कोई टेक्स्ट बुक से कोर्स को परचेज करना चाहता है तो टेक्स्ट बुक डॉट कॉम के साइट को विजिट करते हुए चिराग एम सी एच आई आर ए जी चिराग एम इस कोड को यूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक के कोर्स पर ट्वेंटी परसेंट के डिस्काउंट को अवेल कर सकता है ओके थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही